दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग टीएस ग्रेवाल की 11th क्लास यानी कि प्लस वन का डबल एंट्री बुक कीपिंग के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को जिसमें हम सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो चलिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इस बुक का वो है ये। इस क्वेश्चन के अंदर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर आपकी तीन एंट्रीज दे रखी है। पहली एंट्री जो है इसमें बोला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000, यानी कि एक बिजनेस को स्टार्ट करा जाता है 45,000 रुपए के साथ। तो दोस्तों, क्या हुआ होगा इसके अंदर? हुआ ये होगा, जो ऑनर होगा उसने अपने बिजनेस के अंदर फंड सबमिट करा, यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई है, कितने? 45,000 रुपीज, ठीक है ना, जो कि कहलाती है एक कैपिटल। तो इसका क्या इफेक्ट हुआ होगा अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर कि बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज हो गया होगा 45,000 से, और जो कैपिटल है वो भी क्या हो गई होगी, 45,000 से इंक्रीज हो गई होगी, ठीक है। तो ये पहली एंट्री है, तो इसमें सिर्फ यही आएगा। दूसरी एंट्री के अंदर क्या होगा, दूसरी एंट्री में बोला है ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट 4,500, यानी कि एक बैंक अकाउंट ओपन किया गया है 45,000 रुपए से। तो इससे क्या हुआ होगा, बिजनेस से 45,000 रुपए कहां चले गए, अब बैंक में चले गए, ठीक है। तो बैंक जिससे कितना बढ़ चुका है हमारा 4,500 रुपए से, ठीक है ना। अब तीसरी एंट्री जो है वो हमारी क्या है, बॉट गुड्स फ्रॉम एमएस सन एंड कंपनी फॉर 11,200। इसके अंदर क्या हुआ है दोस्तों, आपने माल खरीदा है एमएस सन कंपनी से, कितने का? 11,200 से। तो इसके अंदर बात समझने वाली क्या है, इसके अंदर कैश नहीं लिखा हुआ है। जब कभी कैश ना लिखा हो और कैश की जगह क्या लिखा हो, कोई नाम लिखा हो, तो ये बात मान लेनी है आप लोगों को कि उस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश का इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि आपने जो माल खरीदा है वो उधार खरीदा होगा, यानी कि आपका एक क्रेडिटर बन जाएगा जिसका नाम होगा एम एस सन एंड कंपनी, ठीक है। वो भी कितने से हो जाएगा, 11,200 रुपए से हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंपनी से आपके पास क्या आ जाएगा, 11,200 रुपए का माल आ जाएगा, लेकिन फंड तो आपके पास से गया नहीं है, तो वो आपका बन जाएगा क्रेडिटर। कितने से बन जाएगा, 11,200 रुपए से बन जाएगा। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली एंट्री जो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000 रुपीज, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने आपको इसका फॉर्मेट बताया था, कैसे एंट्रीज को ट्रांसफर करना है, कैसे जोड़ना है, कब घटेगी कब बढ़ेगी, सभी कुछ बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक है, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये ज़्यादा इजी लगेगा आपको, क्योंकि बेसिक टर्म्स जो थी वो उसी में बताई गई थी। लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दूंगा, देखिए करना क्या है, पहले फॉर्मेट बनाना है आपको जिसके अंदर सीरियल नंबर होगा, पर्टिकुलर होगा, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ठीक है ना। इसके अंदर एसेट इक्वल टू क्या रखना है आपको, लायबिलिटी रखनी होती है प्लस कैपिटल रखना होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली एंट्री जो है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कि आपके बिजनेस में कैश बढ़ जाएगा 45,000 से, बैंक में अभी कुछ नहीं है, स्टॉक कुछ नहीं है, क्रेडिटर कुछ नहीं है, आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, प्लस 45,000 हो जाएगी। पहली एंट्री में सिर्फ आपको यही शो कराना है। और सेकेंड एंट्री जो है हमारी वो क्या है, ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट 4,500, यानी कि आपने एक बैंक अकाउंट खोला है, कितने से खोला है, 4,500 रुपए से खोला है। तो क्या होगा दोस्तों, आपके 4,500 रुपए क्या हो जाएंगे, कैश से कम हो जाएंगे, और बैंक में क्या हो जाएगा, प्लस 4,500 प्लस हो जाएगा, स्टॉक में कुछ नहीं आएगा, क्रेडिटर्स में कुछ नहीं आएगा, और कैपिटल में तब चेंज आता है जब हमारा कोई फायदा या नुकसान हो रहा हो। तो इस एंट्री के अंदर हमारा ना तो कोई फायदा हो रहा है और ना ही कोई नुकसान हो रहा है, इसलिए इसका रिजल्ट जो रहेगा वो जीरो रहेगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें न्यू बैलेंस की, तो न्यू बैलेंस जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 45,000 रुपीज हमारे स्टार्टिंग में थे, 4,500 लेस कर दिए तो ये बच जाएगा 40,500, ठीक है। ये हमारा पहले जीरो था, जब प्लस करेंगे 4,500 तो ये हमारा 4,500 रहेगा, ये अभी भी हमारा जीरो है, और यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है, तो ये 45,000 ही रहेगा, क्योंकि एसेट इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है।
अब अगली एंट्री देखिए, बोट गुड्स फ्रॉम एमएस सन एंड कंपनी 11,200, यानी कि 11,200 रुपए का हमने माल खरीदा है। तो इससे क्या हुआ होगा, माल हमारे पास आ गया होगा लेकिन कैश तो अभी नहीं गया है। तो जब तक कैश नहीं गया है तब तक वह व्यक्ति यानी कि जो हमारी एमएस कंपनी है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिटर हो जाएगी, यानी कि आपके ऊपर एक लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो देखिए कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई इफेक्ट नहीं होगा, बैंक पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि फंड तो हमारी तरफ से गया नहीं है, हमारे पास सिर्फ क्या आया है, स्टॉक आया है। तो स्टॉक आपका कितना हो जाएगा, 11,200 का हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपकी एक लायबिलिटी बढ़ गई है, यानी कि आपका एक क्रेडिटर बढ़ गया है जिसको बाद में आप पैसे दोगे। तो जब तक पैसे नहीं दिए हैं तब तक वह व्यक्ति आपका क्रेडिटर हो जाएगा और प्लस हो जाएंगे आपके 11,200। और कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा कोई फायदा या नुकसान नहीं है, ये एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन थी जो कि हम बाद में इसे अपनी लायबिलिटी को राइट ऑफ कर देंगे दे करके। अब देखिए आपका जो न्यू बैलेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो न्यू बैलेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ये, आपका जो न्यू बैलेंस होगा फाइनल आंसर जो होगा वो ये होगा, ठीक है ना, न्यू बैलेंस। ठीक है, आपके पास कैश कितना पड़ा होगा, 40,500। आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा होगा, 4500 का। स्टॉक आपके पास कितने का है, 11,200 का। क्रेडिटर्स आपके कितने होंगे, 11,200 के। और लास्ट में कैपिटल जो होगी इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है तो ये 45,000 होगा। और मैंने आपको क्या समझाया कि एसेट इक्वल टू होता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो आप इसे जोड़ के जब देखेंगे तो ये बराबर होगा। ठीक है ना, आपको यहाँ भी दिखा रखा है कैश आपका कितना है, 40,500, बैंक है आपका 4500, स्टॉक है 11,200। तो टोटल होता है आपका 56,200, जबकि लाइबिलिटी जो है आपकी वो क्रेडिटर्स हैं 11,200 के और कैपिटल है आपकी 45,000 की। तो इस तरीके से इसका भी टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 56,200। अगर आप इसको, अगर इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला होता कि आपको बैलेंस शीट भी शो करनी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। बैलेंस शीट के अंदर कुछ नहीं करना होता, एक साइड जो होगी आपकी एसेट की होगी और एक साइड क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी की हो जाएगी। ये साइड जो हो जाएगी आपकी लाइबिलिटी की हो जाएगी, ये अमाउंट हो जाएगा, ये एसेट हो जाएगी और ये अमाउंट हो जाएगा। तो एसेट के अंदर आप सभी ये सारी चीजें लिख देंगे, ठीक है, एसेट साइड के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, तीनों टर्म्स आ जाएंगी। और लाइबिलिटी के अंदर आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल और क्रेडिटर्स आ जाएंगे, ठीक है ना, क्रेडिटर्स और कैपिटल आ जाएंगे। तो टोटल जो आएगा इसका, टोटल हमारा आएगा 56,200 यहाँ पे आ जाएगा, 56,200 और 56,200 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, इसे देख लीजिए, लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू जो है वो आपका क्या बोल रहा है, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 25,000, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट कराया गोपीनाथ ने 25,000 रुपए से। तो क्या हुआ होगा, इसके अंदर कैश बढ़ जाएगा 25,000 रुपए से और इसके साथ साथ इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी 25,000 रुपए से, यानी कि 25,000 रुपीज से। तो इसको लिखना कैसे है, देखिए फॉर्मेट वही होगा आपका, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश कितना आ जाएगा आपके बिजनेस के अंदर 25,000 रुपए और कैपिटल कितनी बढ़ जाएगी 25,000 रुपए से, ठीक है ना। अब सेकंड जो है वो है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000 रुपीज, यानी कि आपने श्याम से 10,000 रुपए का माल खरीदा है। तो श्याम से खरीदा है यानी कि कैश का इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। जब भी किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाता है, ठीक है ना, तो हम ये मानते हैं कि वो हमारी जो ट्रांजैक्शन हुई है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई है, यानी कि उसमें कैश का कोई इन्वॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि नाम हम तभी लिखते हैं जब कोई उधार की एंट्री होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। तो देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, यानी कि परचेज करा है गुड्स, यानी कि माल खरीदा है। स्टॉक आपका बढ़ जाएगा कितने से बढ़ जाएगा, 10,000 रुपये से। स्टॉक आपका प्लस हो जाएगा 10,000 रुपये से। कैश में कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, डेटर्स में कुछ नहीं आएगा, लेकिन आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 10,000 रुपए से, क्योंकि आपने माल कैसे खरीदा है, उधार खरीदा है। तो 10,000 रुपए क्रेडिटर्स में आ जाएंगे और कैपिटल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है। कैपिटल में चेंजेस सिर्फ तभी करते हैं जब कोई प्रॉफिट लॉस होता है, ठीक है। अब देखिए जरा अपनी तीसरी एंट्री, तीसरी एंट्री के अंदर लिखा हुआ है गुड्स सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग
800 और आगे लिखा है 1500। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1800 रुपए का जो माल था वो आपने 1500 रुपए का बेच दिया। 1800 रुपए के माल को 1500 रुपए में बेच दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक लॉस बियर कराया है अपने ऊपर। आपके पास से स्टॉक कम हो जाएगा 1800 रुपए और आपके पास रुपीज कितने आएंगे? 1500 रुपए आएंगे, ठीक है ना। लेकिन देखिए एक बात हो रही है, यहाँ पे कैश नहीं लिखा हुआ है, यहाँ कैश नहीं लिखा हुआ है, यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू सोहन, यानी कि सोहन को माल बेचा। यहाँ भी नाम आ रहा है, तो यहाँ पे नाम आ रहा है यानी कि आपके पास कैश भी नहीं आया होगा, बल्कि क्या आ गया होगा? एक डेटर आ गया होगा। चलिए देखते हैं। देखिए थर्ड एंट्री के अंदर लिखा है सोल्ड गुड्स टू सोहन, सोहन को माल बेचा है 1800 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे कैश आपके पास नहीं आया है, बल्कि स्टॉक आपका कितना कम हो जाएगा? 1800 रुपए से स्टॉक कम हो जाएगा। डेटर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था नाम आता है तो इसका मतलब क्या होता है? उधार की एंट्री होती है, क्योंकि देखो जब आप उधार ले सकते हो तो आपको उधार देना भी पड़ेगा, बिजनेस के अंदर ये चलता रहता है। तो अगर कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो उधार की एंट्री है, चाहे फिर आपने सेल करा हो या फिर परचेज करा हो। अब इस केस के अंदर आपने 1800 रुपए का माल बेचा है, किसे बेचा है? सोहन को बेचा है। तो सोहन आपको पैसे देगा बाद में, तो वो आपका हो गया डेटर, ठीक है। तो 1800 रुपए का स्टॉक आपका माइनस हो जाएगा, डेटर आपके पहले कुछ नहीं थे, अब कितने हो जाएंगे? 1500 हो जाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए, दोनों इक्वल तो है नहीं, दोनों में डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 300 का डिफरेंस है, 300 का डिफरेंस है। तो ये फायदा है या नुकसान है? बिल्कुल ये नुकसान है, क्योंकि 1800 का माल गया है और 1500 रुपए के डेटर आपके पास आए हैं, यानी कि 300 रुपए का लॉस हुआ है। तो लॉस की एंट्री कहां दिखाएंगे आप? कैपिटल के अंदर दिखाएंगे, ठीक है ना। तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। स्टॉक आपका 1800 हो जाएगा, डेटर्स 1500 के हो जाएंगे। क्रेडिटर पे इस एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो आपका कैपिटल है वो -300 हो जाएगा। अब देखते हैं अपनी चौथी एंट्री, जो कि क्या है? गोपीनाथ विड्रो फ्रॉम बिजनेस 5000 रुपीज। तो गोपीनाथ ने 5000 रुपए विड्रो करे हैं बिजनेस से। तो भैया बिजनेस से पैसा निकाला है तो क्या हुआ होगा? आपकी कैश कम हो जाएगी और कैपिटल कम हो जाएगी, सीधी सी एंट्री है। तो गोपीनाथ विड्रो फ्रॉम बिजनेस, 5000 रुपए कैश कम हो जाएगा। स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, या डिडक्ट बोल सकते हैं, 5000 रुपए से कम हो जाएगी। अब जो आपका न्यू बैलेंस आएगा वो क्या आ जाएगा जी? जो आपका न्यू बैलेंस होगा, देखिए न्यू बैलेंस की बात अगर हम करें तो यहाँ पे आपका 25000 रुपए बच रहा था, 25 में से 5 आप कम कर दोगे, कितने बच जाएंगे? फाइनली आपके पास 20000 रुपए का कैश बचेगा और 8200 का आपका स्टॉक बचेगा। डेटर की बात करी जाए तो 1500 डेटर होंगे, क्रेडिटर्स आपके कितने होंगे? 10000 होंगे, और कैपिटल आपकी कितनी हो जाएगी? 19700 हो जाएगी। तो ये आपका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 2 का। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, कि टोटल आपकी जो एसेट है वो कितने की हो रही है? 27900 की हो रही है। और अगर बात करी जाए लायबिलिटी साइड की, तो लायबिलिटी भी आपकी कितनी हो रही है? 27900 की हो रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट भी जो है वो टैली करेगी। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है ना। तो पहली एंट्री जो है वो है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50000 रुपीज, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट करा जा रहा है 50000 रुपए से। दोस्तों मैं एक बात आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो एडिशंस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, और इसके अंदर जो वैल्यूज होती है वो भी चेंज होती रहती हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो सेम रहते हैं, जो एंट्रीज होती हैं वो सेम रहती हैं, सिर्फ वैल्यूज ही चेंज होती हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको हर तरह की सारी एंट्रीज सीखने को मिल जाएंगी। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, सारी एंट्रीज अवेलेबल है। वैल्यू क्या लिखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जोड़ना घटाने में जो होगा अंतर वो आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं अपनी पहली एंट्री क्या है। बिजनेस को स्टार्ट करा गया है 50000 रुपए से। तो क्या हुआ होगा? हमारे बिजनेस के अंदर 50000 रुपए आगे होंगे और हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? 50000 से बढ़ जाएगी। देखिए पहली एंट्री यही है हमारी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश कितना? 50000 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे कोई अभी एंट्री नहीं आएगी, कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, कैपिटल आपकी कितनी हो जाएगी? 50000 रुपीज हो जाएगी। अब दूसरी एंट्री की बात करी जाए कि आपने सैलरी पेड करी है 2000 रुपीज, यानी कि किसी को आपने सैलरी दे दी है, आपका एक्सपेंस हो गया,
जब आप सैलरी दोगे आपका कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बस, और तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं इसके ऊपर। तो इसीलिए 50,000 में से 2,000 रुपये आप माइनस कर दोगे, क्योंकि जो आपने सैलरी के तौर पर कैश दिया है और कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, सीधे कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, कितने का, 2,000 रुपये का, 2,000 रुपये आपके कम हो जाएंगे। तो यानी कि अब आपका जो न्यू बैलेंस बचा है वो क्या बचा है जी, न्यू बैलेंस बचा है 48,000 रुपीज, और इधर भी कितना आएगा, 48,000 रुपीज, क्योंकि ये इक्वल होते हैं। अब तीसरी एंट्री की बात करी जाए, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब क्या है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब ये है, देखिए आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आउट मतलब बाहर, स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ है। तो बाहर हमेशा वही व्यक्ति खड़ा होगा जो पैसे लेने के लिए आएगा, ठीक है। तो पैसे लेने के लिए आएगा, कितने लेने के लिए आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने है, 200। लेकिन ये आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि आपने अभी पे नहीं करा है, क्योंकि आप पेड कर देते तो सीधे सीधे लिखा होता कि वेजेस पेड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग, यानी कि आपके ऊपर बकाया है, कितना बकाया है, 200 रुपये बकाया है, यानी कि लाइबिलिटी आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 200 रुपये हो जाएगी, लेकिन आपने अभी दी तो है नहीं, तो यहाँ पे कोई भी इसका फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको देनी तो है, इसीलिए आपको कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा कितना, 200, ठीक है ना। तो अब आपका जो न्यू बैलेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4800 आ जाएगा। अब आपकी एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हो गई है, ठीक है ना, और इसके साथ साथ कैपिटल आपकी क्या हो जाएगी, 200 रुपये से कम होकर 47,800 हो जाएगी। थर्ड एंट्री क्या बोल रही है, थर्ड एंट्री में लिखा है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट आपके ऊपर ड्यू हो चुका है, आपको देना है इंटरेस्ट, लेकिन अभी आपने दिया नहीं है, तो ये भी एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हो गई, क्योंकि आपको किसी को इंटरेस्ट देना था लेकिन आपने अभी दिया नहीं है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए किसी से कोई काम करवाया और मैंने कहा अगर आप ये काम कर दोगे तो मैं आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा, ठीक है ना। तो उसने वो काम मेरा कर दिया लेकिन मैंने अभी उसको इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो मेरे ऊपर वो इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, कब तक के लिए, जब तक मैं उसे नहीं दूंगा, लेकिन ये है लाइबिलिटी और मुझे देना भी है। तो इसकी एंट्री में भी अभी आपने कुछ नहीं दिया है तो कैश पे आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपकी एक और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी हो गई है जिसको इसके अंदर प्लस कर दिया जाएगा, ठीक है, 100 प्लस हो जाएगा, और क्योंकि देनी है तो आप अपनी कैपिटल में से भी इसे क्या कर लेंगे, 100 माइनस कर लेंगे। तो अब आपका जो न्यू बैलेंस आ जाएगा क्या आ जाएगा, 48,000, और ये 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 300, और 47,800 में से 100 कम करोगे ये कितना हो जाएगा, 47,700। अब लास्ट की एंट्री जो बची है वो बची है रेंट पेड इन एडवांस। इस बार आपने क्या कर दिया, आपने एडवांस में अपनी एक लाइबिलिटी को राइट ऑफ कर दिया, यानी कि आपको जो किराया देना था, रेंट देना था, वो आपने पहले ही दे दिया, पहले ही दे दिया, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, एक एसेट बन जाएगी, एसेट बन जाएगी, तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, एसेट साइड हो जाएगी, ठीक है। आपने क्योंकि दे दिया है पैसा तो इसलिए कैश में से माइनस हो जाएगा 150, ठीक है, और क्योंकि आपने एडवांस में दिया है अभी आप इसके लिए लायबल नहीं थे, ये आपकी कोई लायबिलिटी तो थी नहीं, तो आपने पहले ही दे दिया, तो ये आपकी एक एसेट ही होगी जिसे हम बोलते हैं एडवांस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एडवांसेस एक्सपेंसेस के अंदर आपके प्लस कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे। अच्छा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है, और कैपिटल पे भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक चीज माइनस हुई है तो दूसरी चीज क्या हो गई है, प्लस हो गई है, यानी कि एसेट के अंदर ही इंटरचेंज हुआ है केवल, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कैपिटल पे। तो आपको जो न्यू बैलेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा जी, अब घटा सकते हैं आप, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 47,850, और ये आपका कितना आ जाएगा, 150, और ये कितना हो जाएगा आपका, 300, और ये कितना हो जाएगा आपका, 47,700। अब आप इसको और इसे जोड़ोगे तो ये क्या बैठेगा, इक्वल बैठेगा, क्योंकि ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, यहाँ पे एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, सबसे पहली एंट्री में पढ़ देता हूँ डायरेक्ट, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 18,000, यानी कि हरीश ने बिजनेस को स्टार्ट कराया 18,000 रुपए से, तो क्या होगा, इनकी कैश बढ़ जाएगी 18,000 रुपए से। स्टॉक पे, क्रेडिटर पे
आउटस्टैंडिंग रेंट कुछ नहीं है अभी आपका, सिर्फ कैपिटल कितनी हो जाएगी 18,000 रुपये हो जाएगी, क्योंकि पहली एंट्री जो होती है बिजनेस स्टार्ट करने की होती है जो यही होगी। अगली एंट्री जो है वो क्या है, अगली एंट्री है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000, यानी कि आपने यहाँ माल खरीदा है टोटल 7,000 रुपये का, जिसमें से आपने 5,000 रुपये कैश दे दिए हैं, लेकिन 2,000 रुपये जो है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुई है, यानी कि उधार की एंट्री हुई है। तो इसके अंदर क्या होगा, कैश आपका कितना कम हो जाएगा 5,000 रुपीज़ से हो जाएगा, लाइबिलिटी लेकिन आपकी बढ़ जाएगी कितने से 2,000 से, यानी कि 2,000 रुपीज़ से, लेकिन आपके पास जो गुड्स आएगा वो आएगा 7,000 रुपीज़ का। चलिए देखते हैं, जो सेकेंड एंट्री आपकी यही है, आपने माल खरीदा है कैश में 5,000 से और क्रेडिट में 2,000 से। तो देखिए कैश आपका कितना कम हो जाएगा, 5,000 कम हो जाएगा, स्टॉक आपका जो गुड्स है वो सीधा कितना इंक्रीज हो जाएगा 7,000 से हो जाएगा, क्योंकि माल तो हमारे पास टोटल 7,000 का आ रहा है ना, वो तो हमने पेमेंट करी है, कम पेमेंट करी है 5,000 से। तो आपके क्रेडिटर्स जो है, यानी कि जिनको हम पैसा देंगे बाद में, वो क्रेडिटर होते हैं, तो क्रेडिटर हमारे कितने हो जाएंगे 2,000 रुपीज़ से हो जाएंगे। लेकिन क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा कैपिटल पर, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई लाभ या हानि नहीं हो रही है, तो ये हमारा क्या रहेगा, शून्य ही रहेगा। अब हम न्यू बैलेंस की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, पहले 18,000 रुपये थे, 5,000 कम करके कितने बच गए 13,000 रुपये, स्टॉक पहले कुछ नहीं था अब प्लस हो गए 7,000, तो 7,000 हो गया, क्रेडिटर्स कुछ नहीं थे अब ये कितने हो गए 2,000 के हो गए, और यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये 18 का 18 ही रहेगा। तो अब आपकी अगली इक्वेशन जो है देखते हैं, क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी कि माल बेचा है आपने कैश में 4,000 का, जिसकी कीमत कितनी थी 2,400 की, यानी कि 2,400 रुपये का माल आपने 4,000 रुपये में बेच दिया। तो ये बात तो एकदम आपके माइंड में क्लिक होनी चाहिए कि यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो फायदा हो रहा है तो ये कैपिटल पे इफेक्ट करेगा। चलिए देखते हैं कैसे, कैश आपके पास कितना आ जाएगा 4,000 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने ये कैश ट्रांजेक्शन करी है, ठीक है ना, कैश लिखा हुआ है साफ साफ 4,000 रुपीज, तो आपके पास 4,000 रुपये क्या हो गए प्लस हो गए, लेकिन माल आपके पास से कितना गया 2,400 रुपये का गया, तो स्टॉक आपके पास पहले कितना था 7,000 रुपये का था, 2,400 रुपये कम कर देंगे तो ये आपका कितना बचेगा 4,600 बच जाएगा, और क्रेडिटर्स का इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन 1,600 रुपये आपको एज अ प्रॉफिट शो करेगा, कहाँ, कैपिटल में, वो आपको बढ़ा देगा, ठीक है, आपकी कैपिटल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, कितने से हो गई 1,600 रुपये से हो गई। तो फाइनल बैलेंस जो आपका बचा वो क्या बचा 17,000, 4,600, 2,000 और 19,600, ठीक है। अब आपकी जो लास्ट एंट्री है वो है रेंट पेड 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200, ठीक है ना, तो यानी कि रेंट आपने पेड करा है 1,000 रुपये और रेंट जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है 200 है, यानी कि रेंट आपका ज्यादा था लेकिन आपके थोड़ा आपके पास कुछ पैसा था तो आपने पेड कर दिया, लेकिन कुछ क्या कर दिया, बकाया कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैश तो कम होगा थोड़ा सा, लेकिन आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, 200। तो इसकी एंट्री कैसे होगी देखिए जरा भाई, 1,000 रुपये आपने कैश पेड कर दिए तो 1,000 रुपये आपके कम हो जाएंगे, ठीक है, पहले 17,000 थे, 1,000 लेस कर देंगे कितने बच गए 16,000 बच गए। अब स्टॉक पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई एंट्री के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, किसका, स्टॉक का इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की बात करी जाए तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपका कितना है 200, तो क्रेडिटर्स के कॉलम में तो नहीं, लेकिन आउटस्टैंडिंग रेंट के कॉलम में, यानी कि ये लायबिलिटी के ही कॉलम होते हैं अलग अलग, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनको हम पैसा देंगे बाद में लेकिन माल का, लेकिन ये जो लायबिलिटी है आपकी ये एक अलग नाम से क्रिएट हो जाएगी, जिसका नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से 200 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो कि पहले था ही नहीं कुछ भी। अब टोटल हुआ क्या, 1,000 रुपये आपके यहाँ से गए हैं, ठीक है ना। अब कैपिटल आपकी कितने से कम होगी, 1,200 रुपये से कम होगी। क्यों कम होगी 1,200 रुपये से, क्योंकि 1,000 रुपये आपके यहाँ गए हैं और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी भी क्या होगी आपकी 200 रुपये हो जाएगी। पहले आपकी कुछ नहीं थी, प्लस लिख लो या माइनस लिख लो, ठीक है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, जीरो में 200 जोड़ोगे तो क्या आएगा 200 ही आएगा। यहाँ 1,200 हमने इसलिए डिक्रीज कराया क्योंकि 1,000 रुपये तो हमने कैश दे दिया है, लेकिन अभी 200 रुपये अभी हमें और देने बाकी है, तो कैपिटल में क्या हो जाएगा 1,200 रुपये आपका कम हो जाएगा। तो न्यू बैलेंस जो आपका बच जाएगा वो कितना बच जाएगा 16,000, 4,600, 2,000, 200 और 18,400। अब आप इन दोनों का टोटल करोगे, इन तीनों का टोटल करोगे
और इन दोनों का टोटल करोगे तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो इक्वल आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स 20,000। यानी कि इस बार जो बिजनेस स्टार्ट करा गया है वो कैश के साथ साथ गुड्स भी लेकर के आए हैं। कैश कितना आया है, 1 लाख रुपीज आया है, तो हम एंट्री कर देंगे कैश में कितनी, 1 लाख रुपीज की। इसके साथ साथ गुड्स भी आया है बिजनेस के अंदर स्टार्टिंग में, तो गुड्स की भी एंट्री कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपीज की। फर्नीचर का भी कोई इन्वॉल्व नहीं है, क्रेडिटर्स कुछ नहीं है, केवल आपकी कैपिटल जो इंक्रीज हो जाएगी वो कितने से हो जाएगी, 1,20,000 रुपीज से हो जाएगी। तो ये थी आपकी पहली एंट्री। और दूसरी एंट्री की अगर हम बात करें तो इसमें लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 फॉर कैश 12,000। यानी कि जिसकी कीमत 10,000 रुपए थी वो माल आपने बेचा है कितने में बेचा है, 12,000 रुपए में। तो यानी कि 10,000 रुपए का माल जब आप 12,000 रुपए में बेचोगे तो इसमें आपको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2,000 का हो जाएगा, क्योंकि 10 वाला माल आप कितने में बेच रहे हो, 12 में। तो जब भी कोई फायदा या नुकसान होता है तो कैपिटल पे इफेक्ट आता है। चलिए देखते हैं कैसे। आपके पास कैश कितना आ जाएगा, 12,000 रुपए हो जाएगा, ये आपका ऐड हो जाएगा। स्टॉक आपका कितना कम हो जाएगा, 10,000 कम हो जाएगा। फर्नीचर पे अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, क्रेडिटर का कोई इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो इनका डिफरेंस है यानी कि जो आपका प्रॉफिट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2,000 का, ठीक है ना। तो फाइनल बैलेंस जो आपका बचा वो कितना बचा, 1,12,000 आपके पास कैश है। स्टॉक की बात करी जाए तो वो आपका 10,000 का है, ठीक है। फर्नीचर का अभी कोई इन्वॉल्व नहीं है, क्रिएटर्स का कोई इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन कैपिटल आपकी कितनी हो चुकी है, 1,22,000। अब लास्ट एंट्री देख लेते हैं। इसमें लिखा है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर 30,000। यानी कि आपने फर्नीचर किसी से खरीदा है 30,000 रुपए का, लेकिन आपने अभी इसकी पेमेंट नहीं की है। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आपने उधार खरीदा है, तो आपकी एक एसेट तो बढ़ गई 30,000 रुपए से कि फर्नीचर आपके घर आ गया, लेकिन आपकी एक लायबिलिटी भी यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। आप लायबल हो गए हो 30,000 रुपए देने के। तो देखिए आपके पास यहाँ पे इसमें इस एंट्री के अंदर कैश का कोई इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि आपने उधार खरीदा है ये, ठीक है। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन फर्नीचर जो आपका जीरो चल रहा था शुरू से, अब वो कितना हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा। इसके साथ साथ जो लायबिलिटी आपकी जीरो चल रही थी, अब आपकी लायबिलिटी भी क्रिएट हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, 30,000 रुपए की हो चुकी है। लेकिन कैपिटल पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्योंकि यहाँ कोई फायदा या नुकसान नहीं है, ये तो खाली एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है जिसकी पेमेंट हम बाद में कर देंगे। तो फाइनल आंसर की अगर हम बात करें तो 1,12,000 आपका क्या हो जाएगा, कैश, और 10,000 क्या हो जाएगा, स्टॉक। फर्नीचर की वैल्यू आपकी 30 यानी कि 30,000 रुपए, क्रेडिटर्स आपके 30,000 रुपए, और कैपिटल आपकी कितनी हो जाएगी, 1,22,000 रुपए, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। और एसेट इक्वल टू क्या होगी, लायबिलिटी होगी ऑलवेज। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई किया गया है, जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 1,52,000, और लायबिलिटी और कैपिटल को भी जोड़ोगे तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, जोड़ करके लायबिलिटी आपकी 30,000 की है और कैपिटल आपकी 1,22,000 है, तो जोड़ के कितना बन जाएगा, 1,52,000 ही बनेगा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ते हैं इसे। पहली एंट्री क्या लिखी है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000 रुपीज। यानी कि अजीत ने बिजनेस को स्टार्ट करा है 20,000 रुपए से, तो क्या करना है, 20,000 रुपए से कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फर्नीचर का कोई इन्वॉल्व नहीं है, स्टॉक का कोई इन्वॉल्व नहीं है, लायबिलिटी कुछ नहीं है, और कैपिटल आपकी कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपए हो जाएगी। अब अगली एंट्री जो है वो आपकी क्या है, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर 2,000। यानी कि फर्नीचर खरीदा गया है 2,000 रुपए में। यहाँ पे ऑन क्रेडिट नहीं लिखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये कैसी ट्रांजेक्शन है, ये कैश ट्रांजेक्शन है। देखिए पहचान कैसे करते हैं, अगर लिखा हो ऑन क्रेडिट या फिर किसी व्यक्ति का नाम लिखा हो, राजू, सोनू, मोनू, टिंकू, पिंकू, कुछ भी नाम लिखा हो, तो हम मान के चलते हैं कि वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। लेकिन अगर कोई नाम नहीं लिखा है, ठीक है, ना ही ये लिखा है कि ऑन क्रेडिट है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो कैसे ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा था, ही परचेज फर्नीचर फॉर 2,000 रुपीज, यानी कि 2,000 रुपए में फर्नीचर खरीदा है, बस इतनी बात करी गई है, तो यानी कि कैश में ट्रांजेक्शन हुई होगी। तो कैश आपका कितना कम हो जाएगा, 2,000 कम हो जाएगा, फर्नीचर आपका 2,000 प्लस हो जाएगा,
स्टॉक का लाइबिलिटी का कोई इन्वॉल्व नहीं है, कैपिटल का कैपिटल पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आपका जो न्यू बैलेंस आ जाएगा, बीच में से दो घटा देंगे आप, कितना आ जाएगा 18,000, 2,000, ये तो आपका जीरो रहेगा, और ये भी कितना रहेगा 20,000। तो अभी भी आप चेक कर सकते हो 18 और 2, 20, और यहाँ भी कितना आ रहा है 20, यानी कि एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो रही है। अगला देखते हैं, ही पेड रेंट ऑफ ₹200, यानी कि किराए के पैसे दे दिए हैं ₹200, तो ₹200 दे दिए हैं किराए के, तो सीधी सी बात है आपका कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसके साथ साथ कैपिटल भी क्या हो जाएगी, ₹200 से कम हो जाएगी। तो देखिए, ही पेड रेंट ऑफ ₹200, ₹200 माइनस कर रखे हैं, ठीक है, किस में से माइनस कर रखे हैं, कैश में से कम कर रखे हैं, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ तो आप खाली रेंट दे रहे हो, तो कैश कम होगा और इसके साथ साथ एक एक्सपेंस यानी कि कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ₹200 से। तो फाइनल बैलेंस जो आपका बचेगा घटाने और जोड़ने के बाद, वो ये बचने वाला है, ठीक है ना। अब आप अगली एंट्री देखिए जरा, अगली एंट्री क्या है, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है साफ साफ ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार की एंट्री है जी। उधार की एंट्री का मतलब क्या है, ₹3,000 में आपने माल खरीदा होगा, तो यानी कि आपकी एक एसेट तो बढ़ जाएगी, स्टॉक तो आपका बढ़ जाएगा 3,000 से, लेकिन इसके साथ साथ आपकी एक लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो देखिए जरा, यहाँ पे कैश का कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है, फर्नीचर का कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन स्टॉक आपका कितना हो जाएगा, ₹3,000 प्लस हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जब स्टॉक बढ़ा है, तो आपके ऊपर एक दायित्व यानी कि लाइबिलिटी भी आ चुकी है, जो कि क्रिएट हो चुकी है अब ₹3,000 से, लेकिन कैपिटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ कोई लाभ या हानि नहीं हो रही है, ठीक है ना, बस हम पेमेंट करेंगे कुछ दिनों के बाद। अब अगली जो एंट्री है वो हमारी क्या है, ही सोल्ड गुड्स जिसकी कीमत है ₹2,000, वो बेच दिया हमने कितने का, ₹5,000 का, यानी कि ₹2,000 का माल हम कितने में बेच रहे हैं, ₹5,000 में बेच रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ₹3,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो किसे बढ़ा देगा, वो कैपिटल को बढ़ा देगा। चलिए देखते हैं, ठीक है, फिफ्थ एंट्री है आपकी, ₹5,000 में बेचा है ₹2,000 का माल, तो कैश आपका कितना हो जाएगा, 5,000 प्लस हो जाएगा, ठीक है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो आपका स्टॉक था वो कितना कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा ₹2,000 का, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे ₹2,000, लाइबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी, वही रहेगी शून्य, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने 2000 का माल 5000 में बेच दिया, तो लाइबिलिटी का तो कोई इन्वॉल्व है ही नहीं। लेकिन यहाँ 5000 प्लस हुए और यहाँ 2000 माइनस हुए, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो है ₹3,000, जो कि हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट तो कहाँ ऐड होगा, वो कैपिटल के अंदर ऐड हो जाएगा। तो आपका जो न्यू बैलेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 17,800 में जब आप 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 22,800, ये आपका 2000 रहेगा, 3000 में से 2000 गए, ये बचेगा 1000, यहाँ 3000, और इसे जोड़ करके कितना हो जाएगा आपका 22,800, ये आपका फाइनल आंसर होगा, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, इन तीनों को जोड़ा तो कितना आ जाएगा 25,800, और लाइबिलिटी और कैपिटल को जब आप जोड़ोगे तब भी आपका कितना होगा 25,800, क्योंकि 22,800 और 3,000 कितना हो जाएगा 25,800 हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक बैलेंस शीट के लिए भी बोल रखा था, तो बैलेंस शीट भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैंने आपको बता दिया था कि एक साइड क्या आती है, लाइबिलिटी आती है, और एक साइड जो आती है वो क्या आती है, एसेट आती है। तो एसेट की सारी अमाउंट्स को आप यहाँ लिख लेंगे और लाइबिलिटीज की सारी अमाउंट को आप यहाँ लिख लेंगे, ठीक है ना, तो ये हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। आपके पास कैश कितना था, 22,800 का था, ये रहा। आपके पास फर्नीचर कितना था, 2000 का था, और आपके पास स्टॉक जो था वो कितना था, ₹1,000 का था, यानी कि टोटल जो आपका आया वो कितना आया, 25,800, ठीक है। और लाइबिलिटी और कैपिटल की अगर हम बात करें तो ये लाइबिलिटी के कॉलम में जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपका कितना हो जाएगा, कैपिटल आपका कितना है, 22,800 का है, और लाइबिलिटी जो है आपकी वो कितने की है, क्रेडिटर्स जो थे वो कितने के थे आपके, वो ₹3,000 के थे, तो क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी के अंदर आते हैं। तो ये आपका जो टोटल आ गया वो कितना आ गया, 25,800 का आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना, जो आपकी एसेट साइड थी एसेट साइड में लिख देंगे, और जो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल था वो लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे, ये हमेशा दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, और इसी से बनती है बैलेंस शीट जो आपको मैंने दिखा दी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, तो चलिए देखते हैं अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर बिजनेस स्टार्ट करा गया है ₹1,00,000 से। तो ₹1,00,000 से बिजनेस स्टार्ट किया गया है, अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो, देखिए ₹1,00,000 कैश बढ़ जाएगा और आपकी कैपिटल भी
1,00,000 रुपए से बढ़ जाएगी। ये लीजिए प्लस कर दिया कैश में 1,00,000। इन तीनों चीजों का भी कोई इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर। और कैपिटल जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 1,00,000 रुपए से इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपका पैसा आया है बिजनेस के अंदर, ठीक है ना। अब दूसरी एंट्री क्या है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 20,000, यानी कि 20,000 रुपए का कैश आपने माल खरीदा है, लेकिन इसके साथ साथ ऑन क्रेडिट 30,000, यानी कि 30,000 रुपए का माल आपने और खरीदा, लेकिन वो ऑन क्रेडिट यानी कि उधार खरीदा। तो हुआ क्या है, यानी कि माल आपके पास कितना आ गया 50,000 का, लेकिन कैश कितना गया है केवल 20,000 रुपए। बाकी के जो 30,000 रुपए हमने बोल दिया कि भैया हम इस डेट पे आपको दे देंगे, तो जब तक हम उस पैसे को नहीं दे रहे हैं तो आपकी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी 30,000 रुपए से, ठीक है ना। तो एंट्री कैसे करनी है देखिए जरा, कैश आपके पास से कितना गया है 20,000 रुपए चला गया है। अब माल जो आया है 20,000 अलग आया है, 30,000 अलग आया है, यानी कि टोटल जो आपके पास स्टॉक आ गया है, गुड्स आ गया है, वो कितना आ गया है 50,000 रुपए का आपका स्टॉक आ चुका है। लेकिन यहाँ आपका कितना घटा था 20,000, यहाँ आपका कितना बड़ा 50,000, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है 30 का, वो क्या था क्रेडिटर्स थे यानी कि लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर्स आपके प्लस हो जाएंगे कितने से 30,000 रुपए से। अच्छा, कोई फायदा या नुकसान तो हमारा हो नहीं रहा है, प्रॉफिट लॉस तो कुछ हुआ नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपकी जो न्यू बैलेंस बन गई वो क्या बन गई, 1,00,000 रुपए थे, 20,000 गए, कितने बचे 80,000, स्टॉक आपका पहले कुछ नहीं था, अब 30 और 20 कितना हो गया 50,000 का स्टॉक हो गया, लाइबिलिटी पहले कुछ नहीं थी अब कितनी हो गई 30,000 हो गई, और कैपिटल आपकी 1,00,000 की 1,00,000 है। यानी कि अभी तक जो हो रहा है वो खाली एसेट्स का कन्वर्जन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है आपस में, कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। तो चलिए अब हम अपनी लास्ट एंट्री देख लेते हैं, जिस जो कि क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 रुपीज, यानी कि आपने माल बेचा है जिसकी कीमत है 10,000 रुपए, वो कैश में बेचा है आपने, इसके साथ साथ ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000, यानी कि 10,000 का माल तो आपने कैश में दिया और 15,000 का जो माल था वो आपने उधार बेचा है, बेच दिया है लेकिन पैसे अभी नहीं मिले हैं, और इन दोनों ट्रांजेक्शन पे जो आपने प्रॉफिट कमाया वो 20% का कमाया। तो देखिए बहुत ईजी है, अब आप इसकी एडजस्टमेंट देखिए जरा, पहले आपने 10,000 रुपए का माल जो बेचा है 20% से, अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो 10,000 का 20% 2,000 हो जाता है, लेकिन निकालते कैसे है मैं बता देता हूँ आपको, जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 10 × 20 और ये आ गया 2,000, ठीक है। तो यानी कि जो प्रॉफिट आपका हुआ 20% कैश वाले पे, ठीक है ना, वो कितना हो गया, वो हो गया 2,000 रुपए का, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन की, जो आपने 15,000 रुपए का करा था। अच्छा, इस पे प्रॉफिट कितना मिलेगा आपको ये देख लेते हैं जरा पहले भाई, 15,000 का 20%, 15 × 30 यानी कि 3,000 होगा, लेकिन करना कैसे देख लेते हैं, 15,000 × 20/100, ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 15 × 2 कितना हो जाएगा 30 और 2 जीरो ये लग जाएगी, यानी के जो कैश आपने जो माल आपने कैश में सोल्ड करा है उस पे प्रॉफिट आपको कितना मिला 2,000 रुपए का, और जो आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन करी है उस पे भी आपको प्रॉफिट कितना मिला 3,000 रुपए का, ठीक है। तो आपका जो टोटल प्रॉफिट आया वो कितना आया 5,000 रुपए का आया। तो यानी कि जो प्रॉफिट होता है, जो फायदा होता है, वो कैपिटल के अंदर दिखता है आपको। तो इसीलिए देखिए आपको 2,000 रुपए प्लस दिख रहे हैं और यहाँ पे 3,000 रुपए प्लस दिख रहे हैं। तो ये बात थी प्रॉफिट की और लॉस की, लेकिन अगर हम ध्यान से समझे इस चीज को तो देखिए हुआ क्या है, मैंने कितना 10,000 रुपए का जो स्टॉक था वो कैश में सोल्ड करा था, तो कैश तो मुझे 10,000 मिलेंगे ना पूरे, और इसके साथ साथ जो प्रॉफिट है वो भी मिलेगा। तो 10 और 2 = 12, यानी कि 12,000 से इंस्टेंटली आपका जो कैश हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो 10 और 2 = 12, 12,000 रुपए से आपका कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब बात करी जाए उधार वाले की, तो उधार जो मैंने बेचा है वो कितने का बेचा है 15,000 का बेचा है, तो 15,000 मुझे बाद में मिलेंगे, लेकिन इसके साथ में जो मेरा प्रॉफिट है ये भी बाद में मिलेगा, सीधी सी बात है, जब माल ही मैंने उधार बेचा है तो प्रॉफिट भी बाद में ही आएगा कैश के साथ में। तो 15,000 का माल था, गुड्स था, और 3,000 रुपए का आपका क्या था प्रॉफिट था, तो 15 और 3 कितने होते हैं 18,000। तो 18,000 रुपए ये मुझे बाद में मिलेंगे, तो जब तक नहीं मिलेंगे वो व्यक्ति मेरा क्या होगा डेटर होगा, यानी कि एक एसेट आपकी बढ़ जाएगी कितने से 18,000 रुपए से। तो ये तो बात होगी मिलने की, अब हमारे पास से क्या गया,
हमारे पास से गए गुड्स, एक तो 10,000 के गए और दूसरा गए 15,000 के, तो टोटल गुड्स जो जा चुका है आपके पास से 25,000 रुपीज का जा चुका है। देखिए जरा, माइनस कर देंगे 10,000 और माइनस कर देंगे 15,000। आप चाहो तो इसे टोटल करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना। 25,000 के आपके क्या हो जाएंगे, स्टॉक चले जाएंगे, और 50 के थे तो लास्ट में भी कितने के बचेंगे, 25 के बचेंगे। तो यह आपको एंट्री समझ आ चुकी होगी। अब हम देख लेते हैं कि एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप इन तीनों को जोड़ो और इन दोनों को भी जोड़ो, तो आप देखोगे कि आपकी एसेट और लाइबिलिटी दोनों क्या आएंगी, इक्वल ही आएंगी। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है हमें। मोहन है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 50,000। कमेंस का मतलब भी स्टार्टेड ही होता है, यानी कि बिजनेस शुरुआत करना, बिजनेस की शुरुआत करना, ठीक है ना। तो 50,000 रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया गया है, तो कैश कितना हो जाएगा, 50,000 रुपए बढ़ जाएगा। स्टॉक का, फर्नीचर का, क्रेडिटर का भी कोई इन्वॉल्व नहीं है। कैपिटल आपकी कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपए हो जाएगी। अब अगली एंट्री देखते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000। यानी कि आपने माल खरीदा है कितने का, 30,000 रुपए का। तो आप गुड्स खरीद रहे हो जी, वो भी कैश में, तो माल आएगा और कैश जाएगा, सीधी सी बात है। एक असेट कम हो जाएगी और एक असेट बढ़ जाएगी, कितने है, 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए कैश चला जाएगा और स्टॉक आपका 30,000 रुपए से इंक्रीज हो जाएगा, और बाकी का तो कोई इन्वॉल्व इसके अंदर है ही नहीं। अगला देखिए जरा, थर्ड क्या है हमारा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 20,000। इस बार आपने माल खरीदा लेकिन उधार खरीदा, तो उधार खरीदा तो इसका मतलब क्या है, आपकी एसेट तो बढ़ गई लेकिन दूसरी एसेट घटी नहीं है, बल्कि एक लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, हम दे देंगे बाद में पैसा। अभी हमारा कैश क्या रहेगा, जीरो, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने उधार खरीदा है। तो 20,000 रुपए से आपका स्टॉक क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन एक लाइबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपको बाद में देना पड़ेगा ये, तो लाइबिलिटी आपकी प्लस हो जाएगी 20 से। कोई फायदा या नुकसान वाला काम तो हो नहीं रहा है, तो इसीलिए कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब देखते हैं अपनी अगली एंट्री, गुड्स सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 12,000। यानी कि जिस माल की कीमत 10,000 रुपए थी, आपने उसको कितने में बेच दिया, 12,000 रुपए में बेच दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक बात समझनी है, 10,000 वाला माल 12,000 में बेचा है, यानी कि कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, वो भी कितने का पड़ेगा, 2,000 रुपीज का पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, 12,000 रुपये क्या हो जाएंगे आपके, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि 12,000 रुपये कैश आपको मिल जाएगा, लेकिन स्टॉक कितना कम होगा, 10,000 रुपये से स्टॉक हमारा कम हो जाएगा। फर्नीचर पे, लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन 2,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो आपकी जो न्यू बैलेंस बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, वो चेक करते चलना आप हर सवाल के अंदर, ठीक है ना। यहाँ भी देख लेना, चेक कर लेना, यहाँ भी, यहाँ आप चेक करो जरा, 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32,000 रुपये। 50 में से 10 कम होकर कितना बन जाएगा, 40,000 रुपये। 20 में 0 जोड़ोगे तो कितना होगा, 20 होगा, और 50 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, यानी कि 52,000 रुपीज हो जाएगा। अब चलते हैं अपनी अगली एंट्री, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 2,000। यानी कि आपने फर्नीचर खरीदा है, उधार खरीदा है, तो उधार खरीदा है यानी कि आपकी एक एसेट तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ एक लाइबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैश का तो कोई इन्वॉल्व है ही नहीं, ना ही स्टॉक का कोई इन्वॉल्व है, लेकिन फर्नीचर आपका पहले जो कुछ नहीं था, अब कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना, 2,000 रुपये। इसके साथ साथ आपने पैसे नहीं दिया है तो लाइबिलिटी भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी 2,000 से, पहले 20,000 थी, अब 2,000 रुपये और हो गई। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं अगर न्यू बैलेंस की, तो न्यू बैलेंस आपका कितना हो जाएगा, 32,000, ये 40, ये पहले कुछ नहीं था, हो गया 2,000, ये पहले 20 था और 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 22,000, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि 52,000 ही रहेगा। सिक्स्थ एंट्री जो है वो है पेड कैश टू क्रेडिटर। यानी कि आपने क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए, हमारी एक लाइबिलिटी थी, किसी को हमें देने थे कितने, 15,000 रुपए, हमने वो दे के छुट्टी करी, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ होगा भाई, सीधी सी बात है, अगर हमने पेमेंट करी है तो आपका कैश तो कम होगा होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपकी लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
चलिए देखते हैं, 15,000 रुपए से क्या हो जाएगी आपकी कैश कम हो जाएगी, ठीक है, और इसके साथ ही स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्नीचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जो है लाइबिलिटी थी 22,000 की, इसमें से आपने 15,000 की पेमेंट कर दी है तो माइनस कर देंगे 15,000 और जो बच जाएगा आपका 7,000 यानी कि 7,000 रुपए। कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 52 थे 52 ही रहेंगे। अब आखिरी जो एंट्री है वो है आपकी सैलरी पैड। क्या है? सैलरी पैड। सैलरी पैड कराया आपने, कितना कराया? 1,000 रुपीज का कराया। तो सैलरी अगर आपने 1,000 रुपए किसी को दे दिया है तो इसका मतलब क्या है कि आपका कैश कम हो जाएगा, और चूंकि सैलरी एक एक्सपेंस है तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सैलरी पेड में क्या कर देंगे, 1,000 रुपए कैश कम कर देंगे, किसी भी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सैलरी आपकी एक एक्सपेंस होती है तो इसीलिए ये 1,000 रुपए कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो आपको जो फाइनल बैलेंस जो बचेगा वो क्या बचेगा, 17 में से एक कम कर देंगे 16 आपका कैश बचेगा, 40 दो, ठीक है, 7, ये सब सेम रहेगा, और जो कैपिटल आपकी 52 थी एक कम करके कितनी हो जाएगी, 51 यानी कि 51,000 रह जाएगी। अगर हम बात करें एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी की तो आप जोड़ लेना ये दोनों क्या बैठेंगे, बिल्कुल इक्वल बैठेंगे, ठीक है ना। 58,000 की एसेट है तो 58,000 की ही लाइबिलिटी भी होगी, और लाइबिलिटी के अंदर दो चीजें आएंगी, कौन कौन सी चीजें, एक लाइबिलिटी खुद होगी यानी कि उसके अंदर क्रेडिटर्स या आउटस्टैंडिंग जो भी चीजें होती है वो होती है, इसके साथ साथ एक कैपिटल भी होती है। तो इस केस में लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हमारी कितनी हो रही है, 7,000 प्लस 51,000 यानी के 58,000 हो रही है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, इसे नोट कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री जो है वो क्या है आपकी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000 रुपीज, यानी कि आपने बिजनेस को स्टार्ट करा है 70,000 रुपए से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, आपका कैश बढ़ जाएगा और आपकी कैपिटल भी बढ़ जाएगी। अगला क्या है हमारा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000, यानी कि आपने माल खरीदा 18,000 का लेकिन अभी पेमेंट नहीं करी है, ये कैसी ट्रांजेक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यानी कि आपका एसेट तो बढ़ जाएगा लेकिन इसके साथ साथ आपकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, कैश का कोई इन्वॉल्व नहीं है, आपका स्टॉक कितना बढ़ जाएगा, 18,000 रुपए से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। मशीनरी में अभी कोई बात नहीं हो रही है लेकिन लायबिलिटी आपकी कितनी बढ़ चुकी है, 18,000 रुपए बढ़ चुकी है। कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगला देखते हैं, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट 17,500, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब भी सेटलमेंट की बात हो तो सेटलमेंट की बात जब भी हो आप समझ जाइए कि आपका कुछ फायदा होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं वो भी फुल सेटलमेंट कर रहे हैं, कितने में कर रहे हैं, 17,500, जबकि आपके क्रेडिटर थे कितने के, 18,000 रुपए के, यानी कि जो सामने वाला क्रेडिटर था उसने हमें ऑफर दिया कि भैया मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, अगर आज के दिन आप मुझे पेमेंट कर दें तो मैं आपको एक डिस्काउंट दे सकता हूँ, फुल सेटलमेंट कर सकता हूँ आपके साथ, कितने का, 500 का, क्योंकि आप मुझे देते हैं 18,000, चलो आज दे दो और तुम मुझे कितने दे दो, 17,500 दे दो। तो बताइए इस केस के अंदर आपके पास जो माल आया था 18 का आया था लेकिन पेमेंट आप कितनी कर रहे हो, 17,500 की कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी कैपिटल जो है इफेक्ट करेगी, क्योंकि वहां पे आप 500 रुपए प्लस करोगे। क्यों प्लस करोगे, क्योंकि वो आपका फायदा है जी। देखो कैसे भाई, 20,000 कहाँ की एंट्री, कौन सी थी ये, थर्ड एंट्री में देखो जरा, 17,500 रुपए की आपने पेमेंट कर दी, ठीक है ना, स्टॉक पे अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन लाइबिलिटी आपकी कितने की कम हो गई, 18,000 की कम हो गई, पैसा कितना गया, 17,500, लाइबिलिटी कितनी की कम हो गई, 18,000 की। तो इसका मतलब ये है कि जो 500 का डिफरेंस है वो क्या है, आपका डिस्काउंट है, जिसको हम बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, जो आपको फायदा हुआ है 500 का, ओके। अब देखते हैं अगली एंट्री, परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ फोर कैश 20,000, यानी कि आपने मशीनरी खरीदी है 20,000 रुपए की, ठीक है ना, वो भी कैश में। तो भाई सीधी सी बात है, आपकी एक एसेट आई है और एक एसेट गई है, यानी कि कैश आपके पास से गया होगा और मशीनरी आपके पास से आई होगी, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 20,000 रुपए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी एक एसेट बढ़ जाएगी 20,000 रुपये से, इसका कोई इन्वॉल्व है ही नहीं, कोई फायदा नुकसान नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। न्यू बैलेंस आपका क्या आ जाएगा, 32,500 या 18,000, 20,000 और ये 70,500, जो आपका ओल्ड था वही रहेगा। अगली एंट्री जो है वो है हमारी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2000। तो डेप्रिसिएशन लगा है 2,000 रुपये मशीनरी के ऊपर। तो देखिए मशीनरी जो आपकी होती है फिक्स्ड एसेट्स होती है, जब उसकी कीमत कम हो जाती है, घिसावट होती है, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, जो कि आपका एक एक्सपेंस होता है। आपकी बुक में एक पूरा भारी भरकम सा चैप्टर दिया हुआ है डेप्रिसिएशन का, वहाँ पर आपको इसकी पूरी नॉलेज दी जाएगी। अभी आप फिलहाल ये समझिए कि डेप्रिसिएशन जो है वो एक एक्सपेंस है आपके लिए, ठीक है ना। कितने का एक्सपेंस है, 2,000 रुपये का एक्सपेंस है। और डेप्रिसिएशन जो होता है इसमें कोई कैश का इन्वॉल्व नहीं होता, मैं आपको बता दूं, किसी को पेमेंट वेमेंट नहीं करनी होती, बल्कि आपकी जो एक फिक्स्ड एसेट्स है उसकी कीमत कम हो जाती है, ठीक है, बुक वैल्यू से वो और कम हो जाती है। तो इसीलिए हम अपनी बुक वैल्यू कम कर देते हैं, बस और कुछ नहीं। यानी कि यहाँ पे कैश का कोई इन्वॉल्व नहीं होगा, देना नहीं है किसी को। कभी आप सोचो एक्सपेंस है तो भाई हम माइनस कर देंगे, तो कैश माइनस नहीं होगा, ठीक है ना। स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपकी मशीनरी की कीमत पहले 20,000 रुपये दिख रही थी, बुक वैल्यू जो दिख रही थी 20,000, अब माइनस कर देंगे कितनी, 2,000, ठीक है ना। तो कितनी बच जाएगी, 18,000 बच जाएगी। लेकिन चूंकि बुक वैल्यू आपकी कम हुई है, तो आपकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कितने से हो जाएगी, 2,000 से हो जाएगी, जो कि आपका क्या है, डेप्रिसिएशन है। अब बात करें न्यू बैलेंस की, तो आप देखो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये 32,500 रहेंगे, ये 18,000 रहेगा, 20 में से 2 कम कर दोगे कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 18,000 हो जाएगा। यहाँ 70,500 से आप 2 कम करोगे कितना हो जाएगा, 68,500, यानी कि 68,500 हो जाएगा। अब आप चाहे जोड़ के देख लेना, एसेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लाइबिलिटी आपकी सारी की सारी कट चुकी है, नील हो चुकी है, क्योंकि आपने फुल सेटलमेंट करा था, तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल ही होगी आपकी, कितनी हो जाएगी, 68,500। ओके, तो चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, इसे नोट कर लीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सुरेश, ठीक है। तो आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड करनी है, जो कि किसकी है, सुरेश की है। ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, इसके साथ में आपको बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बहुत इजीली हम लोग कर लेंगे, ठीक है। कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000 रुपीज, यानी कि जो बिजनेस को स्टार्ट किया गया है वो किया गया है 60,000 रुपए से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली एंट्री हम क्या लिखेंगे, कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 60,000, जिससे होगा क्या, आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा 60,000 से। अभी यहाँ पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, और कैपिटल आपकी कितनी हो जाएगी, 60, क्योंकि अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया है कैश, तो और बाकी चीजें साइलेंट रहेंगी, लेकिन कैश और कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाएगा। अगली एंट्री क्या है, पेड रेंट इन एडवांस 500। तो देखिए जी, आपने पेड कर दिया है 500 रुपीज, वो भी किस चीज के लिए, रेंट के लिए। तो रेंट के लिए जब हमने पैसे दे दिए हैं, वो भी एडवांस में, तो आपका कैश तो कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, आपका एक और एसेट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। एक और एसेट क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी आपने ये एडवांस में दिया है, अभी आपको इसकी जो बेनिफिट है या जो रेंट है, अभी आपको कंज्यूम करना होगा, ठीक है ना। तो पेड रेंट इन एडवांस, तो 500 रुपए यहां से कम हो जाएंगे, कैश कम हो जाएगा, लेकिन चूंकि अभी आपने इसे कंज्यूम नहीं करा है, ठीक है ना, तो आपकी एक असेट जिसका नाम होगा प्रीपेड रेंट, वो 500 रुपए से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाकी किसी भी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहां तक कि कैपिटल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई फायदा या नुकसान नहीं हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं अपनी अगली एंट्री, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड क्रेडिट 20,000। तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, 30,000 रुपए का आपने माल खरीदा है कैश में, और क्रेडिट का मतलब मैंने बहुत बार बता दिया आपको कि क्रेडिट का मतलब होता है उधार, ठीक है ना। तो आपने उधार में खरीदा है 20,000 रुपए का, तो हुआ क्या होगा, तो हुआ ये होगा इस एंट्री के अंदर कि
50,000 का माल आपके पास आ जाएगा, आपकी जो एसेट है वो 50,000 रुपए से, 50,000 के स्टॉक से यानी कि गुड्स से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी आपकी एसेट। बट यहाँ जो आपकी दूसरी एसेट यानी कि जो कैश है वो केवल डिक्रीज होगी कितनी, 30,000 से। बाकी के जो 20,000 है उसकी आपकी एक क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बाद में आपको ये 20,000 रुपए देने होंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए थर्ड एंट्री के अंदर 30,000 रुपए क्या हो जाएंगे, आपने कैश दिया है 30,000 रुपए तो ये माइनस हो जाएंगे कैश में से, ठीक है। प्रीपेड रेंट, ये तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये जीरो रहेगा। लेकिन स्टॉक की बात करी जाए तो 30 और 20 मिलकर के हो जाते हैं कितने, 50,000, ठीक है, यानी कि 50,000 स्टॉक आपका कितना बढ़ जाएगा, 50,000 रुपए से बढ़ जाएगा। लेकिन आपको अभी पैसा देना भी है, कितना देना है, 20,000 रुपए देना है, जो हम बाद में देंगे जो भी हमारी ड्यू डेट होगी, ठीक है ना। तो तब तक के लिए वह व्यक्ति हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। तो इसीलिए 20,000 रुपए क्रेडिटर के आपके इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जो कि पहले नहीं थे। अब बात करी जाए बाकी चेंजेस की, वो कोई चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे जो इफेक्ट हुआ था वो 50,000 का हुआ था, वो हमने दिखा भी दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई लॉस या प्रॉफिट वाली कंडीशन नहीं बन रही है, तो इसीलिए कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखते हैं अपनी अगली एंट्री, फोर्थ एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹30,000 कॉस्टिंग 20,000। बहुत बढ़िया एंट्री है जी। इसके अंदर क्या कहा गया है कि आपने अपने माल को बेच दिया, गुड्स को सेल सोल्ड कर दिया है, जो कि जिसकी कीमत कितनी थी, 20,000 रुपए थी, लेकिन उसे आपने बेचा कितने में, 30,000 रुपए में। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि यहाँ पे 20,000 का माल जा रहा है और 30,000 का माल आ रहा है, यानी कि जो आपका प्रॉफिट होगा वो 10,000 रुपीज का होगा। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, कैपिटल पे बिल्कुल पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। आपके पास से जो माल गया है वो कितने का गया है, 20,000 का गया है। तो आप क्या कर देंगे, स्टॉक में से 20,000 रुपए क्या कर देंगे, कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन आपके पास कैश आया कितना है, 30,000 रुपए आया है, तो 30,000 रुपए यहाँ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 30,000 आए और 20,000 का माल गया। लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10,000 रुपए है। तो 10,000 रुपए से आपकी जो कैपिटल होगी वो बढ़ जाएगी, और वहां क्या लिख देंगे, ये क्यों बढ़ी है, क्योंकि ये क्या है, एक प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसलिए प्रॉफिट है तो ये बढ़ जाएगा। अब हम देखें अगर न्यू बैलेंस, ठीक है, न्यू एंट्री की, तो यहाँ पे जो आपका फाइनल बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, इन दोनों को ऐड करके ये हो जाएगा 59,500। ये आपका 500 ही रहने वाला है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। लेकिन 50,000 के माल में से 20,000 का माल जा चुका है, तो इसीलिए यहाँ बच जाएगा आपका 30,000 रुपए बच जाएंगे, और क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये उतने के उतने रहेंगे। लेकिन आपकी जो कैपिटल होगी वो 60,000 से बढ़कर के 70,000 हो जाएगी, 10,000 इसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली एंट्री की तरफ, फिफ्थ एंट्री, ठीक है। फिफ्थ एंट्री क्या बोल रही है, पेड सैलरी 500, यानी कि आपने किसी को सैलरी दे दी है 500 रुपए, और आगे लिखा है सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी कि आपको टोटल किसी को देने होंगे 600 रुपए सैलरी के, जिसमें से 500 रुपए तो आपने पेड कर दिए हैं, लेकिन 100 रुपए जो है वो अभी आपने पेड नहीं करे हैं। तो बहुत सिंपल है, जो पेड कर दिए हैं उसे घटा देंगे। फिफ्थ एंट्री हमारी यही है, जो आपने पेड कर दिए हैं 500, कैश कम हो जाएगा आपका 500 से। प्रीपेड रेंट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो हम सैलरी पेड कर रहे हैं। क्रेडिटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है आपकी, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आपने सर्विस तो ले ली है, अभी आपको पैसा देना बाकी है, ठीक है, जो भी ड्यू डेट होगी। तो जब तक हम उससे पैसा दे नहीं देते हैं, तब तक के वह व्यक्ति हमारा क्या हो जाएगा, एक क्रेडिटर हो जाएगा, सॉरी एक लाइबिलिटी बन जाएगी वो हमारी तब तक के लिए, लेकिन जिसका नाम क्या होगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और कॉलम बन जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग का, क्योंकि वो एक लाइबिलिटी बन जाएगी, आपका दायित्व बन जाएगा, आपको बाद में पे करना होगा। तो 100 रुपीज से ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है, 500 रुपए यहाँ हमने माइनस करा और यहाँ 100 रुपए प्लस करें, तो ये 500 तो कैपिटल में से माइनस होंगे ही होंगे, लेकिन चूंकि वो लाइबिलिटी है तो इसीलिए हमारी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, 100 रुपीज से और डिक्रीज हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो अब हमारा न्यू बैलेंस बचेगा वो हमारा क्या बचेगा, ये एंट्री थी आपकी 59
1500 से 500 लेस करोगे तो ये बचेगा 59,000। ठीक है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ये आपका 100 से प्लस हो चुका है और यहाँ पे आपने माइनस करा है 500 और 100। तो यहाँ पे फाइनल जो बैलेंस बचेगा इन दोनों को डिडक्ट करने के बाद वो बचेगा 69,400। ठीक है, तो ये आपकी एंट्री थी। अब देख लेते हैं आपकी लास्ट एंट्री क्या थी। बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। देखिए जैसे ये वर्ड आ जाए क्या, पर्सनल यूज, तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लिक करना चाहिए कि जब भी पर्सनल यूज की बात आती है इसका मतलब ये होता है कि ओनर ने अपने प्राइवेट यूज के लिए, या इसी को पर्सनल यूज ही बोलते हैं, उसके लिए उसने अपने बिजनेस में से या तो कैश निकाला होगा या गुड्स निकाला होगा, जिसे हम ड्रॉइंग बोलते हैं। लेकिन इस केस के अंदर इन्होंने क्या करा है, मोटरसाइकिल के लिए इन्होंने कितने 5000 रुपीज निकाले हैं। तो इससे हुआ क्या होगा कि आपका कैश डिक्रीज हो जाएगा, कितना 5000। ठीक है, कैश कम हो गया, लेकिन और किसी भी चीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सीधा सीधा ऑनर गया, ऑनर ने 5000 रुपए बिजनेस से निकाल लिया। तो यानी कि आपका एक तो कैश कम हो गया और दूसरा इस काम को करने से उसकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका इफेक्ट जो पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, वो पड़ेगा आपका कैपिटल पे। आपकी कैपिटल कुल जो पूंजी होती है वो कम हो जाएगी 5000 रुपीज से, जिसका नाम भी लिख दिया इन्होंने क्या, ड्रॉइंग। अब जो आपका फाइनल बैलेंस बचा है वो देखिए जरा क्या बचा है। फाइनल बैलेंस 59,000 में से 5000 घटाओगे तो आप कितना बचेगा, 54,000 बचेगा। ये आपका 500 है और 30,000, 20,000, 100 और 64,400। ठीक है ना, तो ये आपका सवाल हो जाता है कंप्लीट। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस भी करना था और इसके साथ साथ बैलेंस शीट भी बनानी थी। तो चलिए बैलेंस शीट कैसे बनती है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या इजी है, क्यों इजी है, देखिए ये जो साइड होती है ये हमारी एसेट साइड होती है, तो इसका टोटल कर लेंगे, और ये जो साइड होती है ये आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी साइड होती है, और एसेट हमेशा इक्वल होती है किसके, लाइबिलिटी के। तो यहां पे देखिए, देख सकते हैं आप लोग ऊपर जो क्वेश्चन गया है अभी उसके अंदर क्या दिखाया गया था, जो कैश बचा था आपका कितना बचा था 54,000 का, प्रीपेड रेंट कितना था आपका 500 का, स्टॉक था आपका कितना 30,000 का, और अगर हम बात करें लाइबिलिटी साइड की तो 64,400 आपकी क्या थे, कैपिटल थी, और क्रेडिटर की बात करी जाए तो 20,000 के थे, और सैलरी आउटस्टैंडिंग की बात करी जाए तो वो 100 रुपीज की थी। अब आप इसकी टोटलिंग करेंगे तो वो इक्वल आएगी। ठीक है ना, यहाँ जो है ये जवाब गलत है, ये हो जाएगा 84,500। ठीक है, 84,500 आएगा, और यहाँ भी अगर हम बात करें 64 और 20 हो जाते हैं 84, और 400 और 100 ये हो जाएंगे 500। ठीक है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 84,500। तो देखिए दोनों एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों ही हमारी क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं बिल्कुल। तो बैलेंस शीट इस तरीके से बनती है। यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इस वजह से आपको गलत दिख रहा था, वो मैंने करेक्ट कर दिया है। ठीक है ना, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा कितना होगा, 84,500 होगा, एसेट का भी और लाइबिलिटी का भी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, बाकी आगे की वीडियोस देखने के लिए आपको पता है क्या करना है। ठीक है, कर लीजिए और मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ।